अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज होता क्या है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज करते हैं किस लिए हैं, क्यों ज़रूरी होती है डोज ऑप्टिमाइजेशन। और हमने देखा कि डोज ऑप्टिमाइजेशन तीन तरीक़ों से करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डोज, लोडिंग डोज और डोज एडजस्टमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ डोज क्या होता है। डोज मेंटेनेंस क्या होता है और इसमें क्या करते हैं। जब भी कोई हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि उस ड्रग का जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो थेरापेटिक विंडो के अंदर अंदर हो। ठीक है, यानी कि जो थेरापेटिक विंडो की कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन पे ड्रग की थेरापेटिक विंडो आती है। ठीक है, थेरापेटिक विंडो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया क्या होता है। उस कंसंट्रेशन पे, इस थेरापेटिक विंडो की कंसंट्रेशन पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इस थेरापेटिक विंडो के अंदर अंदर हमने मेंटेन रखनी होती है, इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ डोज। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आपको पता ही है कि क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कि जब रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है, इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। इस पॉइंट को, जिस पे रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के, इस पॉइंट को कहते हैं स्टेडी स्टेट पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और मेंटेनेंस डोज में हमने इसी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को थेरापेटिक विंडो की कंसंट्रेशन के अंदर अंदर हमने इसको मेंटेन रखना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है वो थेरापेटिक विंडो की कंसंट्रेशन के अंदर अंदर आए, तभी हमें ड्रग के मैक्सिमम इफेक्ट्स मिल सकेंगे। तो डोज मेंटेनेंस के लिए हमें एक डोजिंग रेट फाइंड आउट करना पड़ता है। डोजिंग रेट मीन कि हम किस रेट पे डोज एडमिनिस्टर करेंगे कि हम हमारी डोज मेंटेन रहे, जो हमारी ड्रग है उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन थेरापेटिक विंडो के अंदर अंदर मेंटेन रहे। तो हम उसके लिए एक डोजिंग रेट फाइंड आउट करते हैं। डोजिंग रेट के लिए एक फार्मूला होता है, डोजिंग रेट इज इक्वल टू सी सी एल ओवर एफ। ठीक है, इसमें सी क्या है, सी है प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए, जिस पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन थेरापेटिक विंडो के अंदर मेंटेन होगी वो कंसंट्रेशन, प्लाज्मा की टारगेट कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए वो है सी। क्या, और सी एल क्या है, क्लियरेंस ऑफ ड्रग, क्लियरेंस ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी। क्या, और एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है इसको बाय अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये था हमारा मेंटेनेंस ऑफ डोज, कि मेंटेनेंस ऑफ डोज होता क्या है और इसको हम करते कैसे हैं और मेंटेनेंस ऑफ डोज ज़रूरी क्यों होती है। ठीक है।